80,000 से 1 लाख तक डाउन पेमेंट लगेगा। तो 80,000 दीजिए डाउन पेमेंट एंड गाड़ी को लेके जाइए अपने घर। सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई आज हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पे उड़ीसा कैपिटल सिटी भुवनेश्वर, यानी कि टेम्पल सिटी भुवनेश्वर में, जहाँ पे आपको मिलने वाली है यूज्ड कार्स, यानी कि भाई डीके मोटर्स में आ चुके हैं। और डीके मोटर्स में आपको मिलने वाले सुनील भाई यहाँ पे, लास्ट टाइम मेरे वीडियो में आए, तो आज फिर से आ चुके हैं यहाँ पे और आपको बताएंगे गाड़ियों के बारे में। क्योंकि भाई आज आपके लिए बड़ी गाड़ी, थोड़ी सी भाई बड़ी है, थोड़ी सी छोटी गाड़ी है, लेकिन आपको मिलेगी एक नंबर की जो इन्फॉर्मेशन। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहली जो गाड़ी यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे साथ ही खड़ी है भाई, अर्टिगा, द मोस्ट डिमांडिंग 7 सीटर की गाड़ी है, मारुति की तरफ से आती है। तो भाई इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, अर्टिगा के बारे में। ये आपका 2020 का इर्टिगा ZXi प्लस, यानी कि पूरा पेट्रोल का टॉपल मॉडल है, जिसमें सब कुछ फीचर लोडेड है, आपको मिल जाएगा सब कुछ फीचर। और ये फास्ट ओनर है, ये आपका 14,000 किलोमीटर रनिंग किया है, ओनली 14,000। ओके, क्योंकि पूरा स्क्रैचलेस है, पूरा ब्यूटीफुल कंडीशन में है। तो भाई कितना क्या इसका है आस्किंग प्राइस? इसका तो न्यू प्राइस आपको आ जाएगा 15 लाख आ जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ सेकेंड हैंड में आपको 11,50,000 है। 11.5 में आपको यहाँ पे ZXi प्लस मिल जा रही है, अर्टिगा 7 सीटर में। बाकी प्राइस भाई निगोशियेबल है, जब आप यहाँ पे आओगे तब भाई ऑन द टेबल जो निगोशियेबल हो जाएगी। और ये आपका जब प्रोफाइल पूरा अच्छा होगा तो ओनली 1 लाख डीपी लगेगा। 1 लाख डाउन पेमेंट देने से आपको इर्टिगा का टॉप मॉडल यानी कि ZXi प्लस 2020 का आराम से मिल जाएगा। तो भाई लास्ट टाइम जैसे बताया तो, और अभी बता रहे हैं कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा रहेगा तो भाई आपका ये गाड़ी अगर आप लेते हो तो आपको बस 1 लाख आपको डीपी देना पड़ेगा, अगर आपका प्रोफाइल अगर अच्छा हो तो, ठीक है ना। तो चलिए भाई एक बार आपको गाड़ी दिखा दूँ अर्टिगा। तो भाई ये हो गया अर्टिगा, और इसको एक बार आपको दिखा दूँ तो फ्रंट का प्रोफाइल पहले देख लीजिए भाई, इसका फ्रंट का प्रोफाइल अर्टिगा का, टायर का कंडीशन तो देख लो भाई अर्टिगा। ये रही 7 सीटर की गाड़ी है, पेट्रोल, रियर प्रोफाइल, ये रही। तो भाई लास्ट टाइम मैंने आपके लिए 2 होंडा सिटी आपके लेके आया था, और आज मैं आपके लिए 2 अर्टिगा। भाई एक तो वहाँ पे आप देख पाओगे व्हाइट बरी नंबर प्लेट, और यहाँ पे और एक कॉमर्शियल व्हीकल यानी कि येलो टाइप की नंबर प्लेट आपके लिए यहाँ पे हाजिर है। जिनको चाहिए अर्टिगा आज एक कॉमर्शियल उसको यूज करना है तो भाई यहाँ से भी गाड़ी ले सकते हो। तो भाई इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए अर्टिगा के बारे में। ये भी आपका 2020 का मॉडल है और फास्ट ओनर है। ये भी आपका ZXi प्लस टॉप एंड वेरिएंट है, ये भी आपका टॉप एंड वेरिएंट है पेट्रोल का। वो आपका ओनली 30,000 किलोमीटर चला हुआ है, जिसका प्राइस हमने रखा है 11 लाख। 11 लाख की टॉप एंड वेरिएंट है, और कमर्शियल के यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो नंबर पे लगा हुआ है, और आपको मिलने वाले यहाँ पे भुवनेश्वर डीके मोटर्स में अर्टिगा। तो भाई जैसे कि बता दीजिए भाई प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए फिर से। आपका तो प्रोफाइल मैं भी पहले से भी आपको बता दिया हूँ, जब आपका प्रोफाइल भी पूरा अच्छा होगा तो 1 लाख डाउन पेमेंट देने से भी आपको फाइनेंस मिल जाएगा। तो ये भी 1 लाख में मिल जाएगी अगर आपका प्रोफाइल अच्छा रहता है, पूरा अच्छा होना चाहिए। तो चलिए भाई एक बार आपको गाड़ी दिखा दूँ, ये अर्टिगा 7 सीटर की। तो दोस्तों ये होगी अर्टिगा, जैसे देख पा रहे हो वाइट कलर में गाड़ी है, और ये इसका फ्रंट का प्रोफाइल, टायर का कंडीशन, साइड में देखिए, एंड ये इसका रियर प्रोफाइल। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट, यानी कि मारुति सुजुकी ब्रेजा द कॉम्पैक्ट SUV यहाँ पे जैसे देख पा रहे व्हाइट कलर में गाड़ी है। तो भाई ब्रेजा के बारे में बताइए। ये आपका 2017 मॉडल है, ब्रेजा ZDI, अच्छा डीजल वेरिएंट है। अभी डीजल में आ रही थी, अभी लेकिन पेट्रोल में आ रही है। पेट्रोल में तो अभी आ रही है, लेकिन वो डीजल का है। ओके, डीजल का थोड़ा टॉप सेकंड टॉप मॉडल होगा, सेकंड टॉप होगा। ये भी आपका डुअल टोन में आ जाएगा। ओके, रूफ इसका ब्लैक एंड बॉडी इसका व्हाइट है। ये 2017 मॉडल है, फास्ट ओनर है, ओनली 40,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, तो कितना क्या इसका रखे हैं आस्किंग प्राइस? उसका आस्किंग प्राइस है 7,80,000। 780 में आपको यहाँ पे डीजल गाड़ी मिल रही है, वो भी ब्रेजा के रूप में। ब्रेजा के डीजल यानी कि माइलेज पूरा अच्छा रहेगा, जबरदस्त मिलेगा भाई आपको, 20 से 22 तक माइलेज आ जाएगा। क्योंकि पहले जो है ब्रेजा डीजल में आ रही थी, उसके बाद मारुति ने अपनी डीजल गाड़ियाँ बंद कर दी, अभी पेट्रोल में आ रही है। लेकिन जिनको चाहिए भाई डीजल में ब्रेजा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी डीके मोटर्स भुवनेश्वर सिटी में। तो भाई गाड़ी काफ़ी अच्छी है, एंड प्राइसिंग जैसे आपने सुन लिया, एंड ये निगोशिएबल आपको मिलेगी जब आप आओगे यहाँ पे एंड गाड़ी चलाओगे, उसके बाद बात करेंगे टेबल के ऊपर, ठीक है। तो चलिए भी चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी को, लेकिन उससे पहले आपको गाड़ी दिखा दो एक बार। तो भाई ये होगी ब्रेजा व्हाइट कलर में जैसे देख पा रहे हो, एंड इसका फ्रंट का प्रोफाइल ब्रेजा का, एंड ये इसका टायर का कंडीशन,
एंड ये रस्का भाई इंटीरियर साइड देख लो, डैशबोर्ड, सीट, रियर सीट, ठीक है। अभी कहते हैं इसको बंद। देन कमिंग टू द प्रीमियम सेगमेंट भाई, एस क्रॉस, ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन भाई गाड़ी काफ़ी मस्त है, लेकिन नेक्सा से बिलोंग करती है गाड़ी, मारुति की गाड़ी है गाड़ी, लेकिन एक जैसे बोलते हैं भाई क्रॉसओवर एसयूवी, वही गाड़ी है, देखने में प्रीमियम लगती है। तो भाई इसके बारे में बता दीजिए। क्या बताऊँ उसके बारे में, ये तो पूरा नया की जैसे है। ये तो आपका 2018 का टॉप मॉडल डीजल है। ओके, इसमें डीजल में आपको माइलेज आ जाएगा 20 से 22 तक माइलेज आ जाएगा, और ये आपका फास्ट ओनर गाड़ी रहेगा, और ये 39,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, ओनली 39,000 किलोमीटर चला हुआ है, जिसका आस्किंग प्राइस हमने रखा है 8,70,000 इसका आस्किंग प्राइस है, बाकी नेगोशिएबल है। और ये व्हाइट कलर में गाड़ी है, देख पर पूरी टॉप कंडीशन में देखिए इसका, पूरा टॉप कंडीशन। ये मारुति का एक दमदार गाड़ी है, दमदार। एक बात बताना मैं चाहता हूँ, ये क्योंकि वो इसको जो चला हुआ है उसको थोड़ा, वो आपका एक डॉक्टर है। अच्छा, तो डॉक्टर की भी गाड़ी है, तो आपको पता चल गया होगा कि भाई डॉक्टर जिन लोगों, आई मीन डॉक्टर जो गाड़ियों को यूज करते हैं वो काफी अच्छी कंडीशन में रहती है, अच्छी कंडीशन है, और स्क्रैच लेस, कहीं पे स्क्रैच नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये होगी एस क्रॉस व्हाइट कलर में गाड़ी, देख लो भाई फ्रंट प्रोफाइल, ठीक है ना। एंड गाड़ी तो पूरा सट गई है, तो ट्राई करता हूँ इसका इंटीरियर आपको दिखाऊँ। तो भाई देख लो पूरा इसका इंटीरियर भाई, ये रही देखो डैशबोर्ड, इसका क्लस्टर, स्टेयरिंग व्हील, सीट जैसे देख पा रहे हो। तो भाई ये हो गई एस क्रॉस, ठीक है ना। तो भाई साहब नेक्स्ट ब्रेजा यहाँ पे रेड कलर में, जिनको चाहिए गाड़ी रेड में, तो यहाँ पे रेड ब्यूटी आज कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको मिलेगी भाई। यहाँ पे एसयूवी जैसे देख पा रहे हो भाई, ब्रेजा भाई इसके बारे में थोड़ा बता दे रेड के बारे में। ये आपका 2016 का मॉडल है। ओके, ये भी आपका डीजल वेरियंट में VDI मॉडल। जी जी जी, और ये फास्ट ओनर है, आप तो जानते हैं VDI मॉडल में कितना माइलेज आता है, 20 से 22 तक माइलेज आ जाएगा। और ये भी आपका फास्ट ओनर है, ये भी आपका 48,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, जिसका आस्किंग प्राइस है 7,20,000। 720 में आपको यहाँ पे डीजल ब्रेजा मिलने वाली है। ये है इसका VDI मॉडल, यानी कि भाई आपको पता ही होगा कि ब्रेजा तभी जब आ रही थी तो काफी जो है फेमस हुई थी, और इस गाड़ी को जो लोग चाहते अभी भी जिनका प्यार है ब्रेजा के साथ डीजल में, वो लोग इसको ले सकते हैं। तो भाई प्राइसिंग आप लोगों को पता चल गई होगी, तो मैं आपको एक बार गाड़ी दिखा दूं मैं, ये रेड ब्रेजा। हाँ, आपका जो प्रोफाइल पूरा अच्छा होगा इसमें आपको 80,000 से 1,00,000 तक डाउन पेमेंट लगेगा। तो भाई प्रोफाइल अगर आपका अच्छा रहेगा तो 80,000 दीजिए डाउन पेमेंट, एंड गाड़ी को लेके जाइए अपने घर, जैसे कि भाई ने बता दिया, बस प्रोफाइल आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, तो DP आपको काफी कम देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो गया रेड कलर की ब्रेजा, जिस देख पा रहे हो भाई, ये इसका फ्रंट का प्रोफाइल, टायर का कंडीशन, ठीक है। एंड इसका इंटीरियर आपको दिखा दूं, ये रहा इसका डैशबोर्ड एंड इसका सीट, ठीक है। तो ये होगी ब्रेजा और एक। तो भाई आपका थैंक यू हमें टाइम देने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए गाड़ियों के बारे में। और जब आप यहाँ पे आओगे तो भाई यहाँ पे आप दिख जाएंगे DK मोटर्स ओडिशा भुवनेश्वर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एंड इनका जो एड्रेस आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इन यूज्ड कार के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। मिलता है उन्होंने, धन्यवाद, नमस्कार।